बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ रहें आबाद रहें, खुश रहें, आमीन। इसी आमीन के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। आज की वीडियो क्या है, आज हम आपको घर के करेले जो हैं वो बता के दिखाएँगे कि कैसे बनते हैं। सब लोग उसमें कीमा भरते हैं, कोई मसाला प्याज वगैरह भरते हैं, हम इसमें आज मुर्गी जो है वो भर के पकाएँगे और आपको दिखाएंगे कैसे बनते हैं जी। करेलों के हमने छुलके उतार लिए हैं, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें काट लगाएंगे और इसके अंदर जो बीज हैं वो निकालेंगे और उसके बाद इसको भर के पकाएंगे। इस तरह इसको काट लगाना है छुरी की मदद से। काट लगाने के बाद इसके अंदर जो बीज होते हैं उनको निकालना है, अच्छी तरह इनको साफ कर लेना, कोई बीज इसके अंदर ना रह जाए। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ये साफ हो चुका है। इसी तरह सारे करेलों को काट लगाना और साफ करना जी। करेलों को हमने काट लगाने के बाद सफाई के बाद इसको सारों को नमक लगाया। नमक लगाने के बाद इनको धूप में रख दिया ताकि जो इसका कड़वा पाना है वो नमक लगाने की वजह से ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हमें सारे जो प्याज, सब्ज मिर्च, टमाटर, लहसुन है इन सबको ग्राइंड करना है जी। ये वो सब्ज मसाला है, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये कढ़ाई हमने रख दी है चूल्हे के ऊपर और इसमें तकरीबन 2 चम्मच जो है वो ऑयल डाल दिया। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है, बन चुका है अच्छी तरह। अब इसमें चिकन डाल रहे हैं, चिकन के भरे जो है उसको पका रहे हैं, मिर्च मसाले के भरे नहीं पका रहे। ये कैंसिल जो है वो रख दी है चिकन वाली, चिकन भरे करेले। चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरह पकाते रहना ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह पक जाए, करेले का जो टेस्ट है वो अच्छा बने। करेले को ये मसाला जो बना रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे आप हड्डियाँ पका रहे हैं, इसी तरह इसको बनाना है। जिस तरह आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारी है, बहुत टेस्टी बन रहा है। ये जो पीस हैं इनको आपने चम्मच की मदद से चाप कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेना ताकि ये करेले में अच्छी तरह बन जाए। ये आपको नज़र आ रहा है ये चम्मच की मदद से हमने इसको चाप लिया है। इस तरह जो मसाला बना हुआ चिकन का वो करेले में इस तरह आपने डालना है, चम्मच की मदद से डालना है या हाथ की मदद से डालना है। इस तरह सारे करेलों को हमने भरना है, फिर इसको धागे की मदद से इनको बंद करना। इस तरह इसके ऊपर धागा लपेटना है ताकि किसी तरफ से मसाला जो है बाहर ना निकले, ना ही करेला खुल सके। ये आपको नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं ना, इस तरह करेलों को बंद करना है धागे की मदद से। तो अभी आप देख रहे हैं कि अभी कुछ इनमें जो है वो पकने में कसर है क्योंकि अभी अच्छी तरह ब्राउन नहीं हुए, जब अच्छी तरह ब्राउन हो जाएंगे फिर ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छी हल्की आंच पे जो है वो अपने पंजाब में इमरान मीर की तरफ से ये एक अच्छी रेसिपी है जो आपको दिखा रहा हूँ। आपने पहले कीमे के बड़े करेले देखे होंगे और दूसरे मसाले के बड़े करेले देखे होंगे, लेकिन ये आज चिकन के बड़े करेले आप देख रहे हैं। हमें पंजाब को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है और हमको आपकी जो है हौसला अफजाई की इंतजार रहेगा कि आप हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। लीजिए जनाब ये हमारे चिकन वाले करेले जी, ये हमारे फाइनल लुक है भरे हुए करेले, ये आपके सामने बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत खस्ता टेस्टी बने हुए हैं। ये आपको रेसिपी बहुत कम मिलेगी, चिकन वाले जो करेले हैं वो बहुत कम मिलते हैं।
आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। इमरान मीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।